नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सिलवानी नगर परिषद द्वारा हेलीपैड ग्राउंड की जो दुर्दशा की गई है वो आप सभी लोग देख सकते हैं। ज्ञात हो कि दिवाली पर नगर परिषद द्वारा पटाखा व्यापारियों के दुकानों की नीलामी नगर परिषद द्वारा की गई, जिससे कि लगभग 2.5 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त नगर परिषद को हुआ। लेकिन ग्राउंड की स्थिति आप देख सकते हैं, ग्राउंड में आज दिनांक तक सफाई नहीं हुई और पूरा ग्राउंड का पैसा लेकर नगर पंचायत ने अपने पास रख लिया और ग्राउंड को अपनी हालत पर छोड़ दिया। खिलाड़ी खुद ग्राउंड साफ करके खेल रहे हैं। अगर नगर की हालत देखी जाए तो बद से बदतर होती जा रही है। कई गलियों की सड़कें तो नगर पालिका अध्यक्ष ने पूर्णकाल होने के बाद से ही झाड़ू विहीन रह गई हैं। यहाँ एक तरफ ना तो सिलवानी नगर पंचायत के दरोगा या सीएमओ द्वारा केवल ऑफिस को चमकाने और आपस में ही पैसा खर्च करने को लेकर ध्यान दिया जा रहा है, नगर पंचायत की ओर आज तक कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। विगत एक वर्ष में कोई भी नवीन कार्य नहीं किया गया। यहाँ तक कि मेन कार्य साफ सफाई का होता है, लेकिन इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। दीपावली पर नगर की अधिकतर नालियां भरी पड़ी है, सड़कों पर अभी भी कचरे का ढेर लगा है। वहीं देखा जाए तो ग्राउंड पर पटाखों की दुकानों के लिए पैसे वसूली तो कर ली गई और उसे किसी अन्य काम में लगा दिया जाएगा, लेकिन झाड़ू लगाने का समय नहीं निकल सका। नगर का एकमात्र खेल ग्राउंड सिलवानी में बचा हुआ है, जिसको पूरी तरह से खराब कर दिया गया है। जहां विगत खिलाड़ियों ने पहले निवेदन किया था कि दूसरे मैदान में पटाखे की दुकानें लगाई जाएं, जिससे इस खेल मैदान को कम से कम बचाया जा सके, लेकिन अधिकारियों ने अपने फायदे के लिए इस ओर ध्यान नहीं दिया और आज खिलाड़ियों को ही मेहनत कर इस खेल ग्राउंड को साफ करना पड़ रहा है और गड्ढों को भरना पड़ रहा है।